नमस्कार एग्जाम एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। इस वीडियो सेशन में हम बातचीत करेंगे कि जो आने वाले समय में आपकी सुपर टीईटी की परीक्षा है या केबीएस की परीक्षा है, केंद्रीय विद्यालय समिति की, अगर इनके सिलेबस की बातचीत करें, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी तैयारी आप कम समय में बेहतर कैसे कर सकते, इस पर पूरी बातचीत करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। तो देखिए, जो सुपर टीईटी जो भर्ती परीक्षा है उसमें आप जानते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे ही अगर हमारी केबीएस की परीक्षा देखा जाए तो केबीएस में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, संस्कृत नहीं पूछी जाती है, ये बड़ा डिफरेंस है, बाकी अधिकतर चीज़ें आती ही हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल गया, संस्कृत नहीं पूछी जाती केबीएस में, और यूपी टीईटी सुपर टीईटी में आपकी संस्कृत पूछी जाती है, सुपर टीईटी में नेसेसरी है। तो चलिए, पहले हम सुपर टीईटी पे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नोट डाउन है, तो इसमें देख सकते हैं आप, लिखा है पर्षदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती परीक्षा की विषय वस्तु। ठीक है, यानी ये उसका सिलेबस है। अब इसके सिलेबस में बातचीत करेंगे कि इसके सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो उसमें से अगर बातचीत करें तो देखिए, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज दी गई है, यानी जो आपकी भाषाएँ होती हैं वो दी गई हैं। तो उन भाषा में दिया है आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आएगी, और ये 40 में आएगी, 40 नंबर में। लेकिन उन 40 नंबर की बात करें, आपकी 20 नंबर की तो सिर्फ हिंदी आएगी नेसेसरी, और उसमें जो 20 नंबर बचे हैं तो 10 नंबर की संस्कृत आएगी, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें, विज्ञान आएगी, विज्ञान आपकी टोटल 10 नंबर की आएगी ओनली। ठीक है, विज्ञान आपकी 10 नंबर की आएगी। और आगे जो आपकी मैथ है, गणित, ठीक है, गणित आपकी आएगी 20 नंबर की, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की गणित, ये एक हाई स्कोरिंग है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब उसके बाद बात करें तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये आपका आएगा मात्र 10 नंबर का, और शिक्षण कौशल यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आएगा मात्र 10 नंबर का, बाल मनोविज्ञान ये भी 10 नंबर का, और सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएँ ये भी आपका आएगा मात्र, ये 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का। और उसके बाद तार्किक यानी रीजनिंग आपकी आएगी मात्र ओनली 5 नंबर, शिक्षण कौशल प्रबंधन यानी टीचिंग मैनेजमेंट ये 5 नंबर का, और कंप्यूटर आपका 5 नंबर का, सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर 5 नंबर का। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको ज़्यादा स्कोरिंग कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हम आपको ये बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप, 30 नंबर की जीएस जीके आएगी। ठीक है, 30 नंबर की, ये एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 30 नंबर की जीएस तथा जीके। ठीक है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, और 20 नंबर की आपकी मैथ आएगी, बाकी जो शेष बचे हैं अगर ये सब जोड़ेंगे तो ये आपके 70 अंक हो जाते हैं। ओके, कितने हो जाते हैं, ये आपके अंक हो जाते हैं 70। तो 70 नंबर आपके 150 में से कवर हो रहे हैं सिर्फ 3 जगह से। ठीक है, यानी यदि आप जीएसजी के पढ़ लेते हैं तो 30 नंबर कवर हो रहे हैं, और यदि आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो 20 और उठ जाएंगे, 50 हो जाएंगे, और यदि आप मैथ पढ़ लेते हैं तो 70। तो 70 नंबर आपके सिर्फ 3 सेक्शन से आ रहे हैं। अब देखिए, टोटल 150 का आपका पूर्णांक था, उसमें से 70 आपके निकल गए, बचे हैं आपके 80 नंबर। तो 80 नंबर में बाकी आपकी सब चीज़ें 10-10 नंबर की आ रही हैं अधिकतर। ठीक है, ईबीएस, विज्ञान, ये सब, और 5 नंबर का कंप्यूटर और 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है। अगर बात करें केबीएस की, तो केबीएस का आप सिलेबस देख लीजिए। ओके, केंद्रीय विद्यालय, इस पर बातचीत करते हैं। तो देखिए, अब आप देख पा रहे हैं केबीएस का सिलेबस। तो केबीएस में बात करें पीआरटी की प्राइमरी में, ठीक है, तो पीआरटी प्राइमरी में आप
देख सकते हैं लिखा है PRT 150, 150, TGT 150, ठीक है। तो 150 से 150 क्वेश्चन आपके जो सुपर TT में आएंगे वो KBS में भी आते हैं 150। उसमें से अगर बात करें तो प्राइमरी की पहले बात करते हैं PRT, तो रीजनिंग 10 नंबर की आती है, GK GS 10 नंबर का आता है, CDP 20 नंबर की आती है यहाँ पे, और हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का। जब ये सारा ऐड करेंगे तो आपका 70 नंबर हो जाएगा, 70। उसके बाद की अगर बातचीत करें हम, तो इन्होंने सेक्शन करके दिए हैं। फिर सेक्शन बी में इन्होंने कहा है कि सेक्शन बी में हम क्या है और भी पूछेंगे 80 नंबर का। उसमें 80 नंबर में क्या पूछेंगे, इन्होंने नंबर वाइज नहीं बताया, इन्होंने टोटल बता दिया कि हम इतना ये पूछेंगे। तो देख लीजिए आप, इन्होंने कहा है बाकी जो 80 नंबर में हम GS पूछेंगे, ABS पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, मैथ पूछेंगे, इंग्लिश पूछेंगे और हिंदी पूछेंगे, ये बाकी 80 नंबर में इन्होंने बता दिया। ये PRT का था, ठीक है। तो अगर बात करें सुपर TT KBS प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, इनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, काफ़ी ज़्यादा एक जैसा है। तो अभी तक आप प्राइमरी का अच्छे तरीके से सिलेबस जान चुके हैं। अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो KBS केंद्रीय विद्यालय और सुपर TT की तैयारी साथ साथ हो सकती है। यदि एक जगह बाय द वे फॉर्म नहीं निकलेंगे तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, आप दूसरे में भी क्या एलिजिबल रह सकते हैं। ये तो हमने प्राइमरी की बात की है, ठीक है। अगर बात करें हम TGT की, ठीक है, तो TGT में बहुत ज़्यादा अलग है सिलेबस, बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यदि आप KBS में TGT में टीचर बनना चाहते हैं तो इसका सिलेबस होता है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आते हैं और 40 आपके टीचिंग मेथड के आते हैं, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के, हो गए 150, बस इतना ही पूछा जाता है। इसमें चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, आपका सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग मेथोडोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये लोग पूछते हैं TGT में। अगर आप TGT की तैयारी करेंगे तो आपको इतने जो मैंने अलग से अभी बताए ये आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, अब कैसे क्या आगे प्रोसेस है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से आ गए हैं अपने सुपर TT वाले सिलेबस पे। अब इसमें आप कैसे कम समय में अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं और अध्यापक बन सकते हैं, इस पर अब हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का। तो आप पहले पाठ्यक्रम देखिए, उसके बाद अब आप जान पाएंगे कि कैसे हमारे क्या है क्वेश्चन ऑलरेडी, ये सुपर TT भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये हुआ था 6 जनवरी सन 2019 को और 27 मई सन 2018 को, ऑलरेडी ये दो बार हो चुका है। तो आप उसके क्वेश्चंस देखिए, पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उनके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके ज़्यादा अंक आने की संभावना होती है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो शिक्षण कौशल जो हैं उसमें आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक पे हम नेक्स्ट टाइम कभी बातचीत कर लेंगे, ठीक है। आपको शिक्षण कौशल पढ़ना है, फिर जीवन कौशल प्रबंधन आपको ये भी पढ़ना है इसमें, और बाल मनोविज्ञान भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है, बाल मनोविज्ञान भी आपको पढ़ना है, और पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन पढ़ना है आपको, ठीक है, पर्यावरण तथा सामाजिक अध्ययन। अगर बात करें विज्ञान, तो विज्ञान भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, विज्ञान भी 10 नंबर का आएगा, तो विज्ञान पढ़नी है आपको। और उसके बाद एक सूचना करके आता है, ठीक है, सूचना तकनीकी, इसका मतलब होता है यहाँ पे कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, और संस्कृत भी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और हिंदी भी आपको पढ़नी है, ठीक है। हिंदी 20 नंबर की आएगी, काफ़ी स्कोरिंग रहेगी। अगर किसी को तीन चीज़ों में अगर उसकी पकड़ नहीं है, एक हिंदी में, एक मैथ में और GK GS में, तो फिर सुपर TT निकालना उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, ठीक है। और देखिए आपको गणित भी पढ़नी है, ओके, गणित के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। अब देखिए रीजनिंग तर्कशक्ति भी आपको पढ़नी है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, और ये मैंने आपको सिलेबस दिखाई दिया था, ठीक है। तो अभी आपको इतनी अधिक जानकारी हो पाई है कि कैसे आप एक सुपर TT एग्ज़ाम, KBS के एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका एक सिलेबस का अच्छा ओवरव्यू क्या है वो भी आप अभी अभी क्या है जान पाए हैं।
तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल जानकारी आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम इससे रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो लाएँ। तो जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप नेक्स्ट टाइम किस पे वीडियो चाहते हैं, यानी इसकी बुक्स जानना चाहते हैं, या हम खुद इसका क्या है एक दो इसमें से कुछ अच्छे क्या है विषय हैं वो हम आपको स्वयं में टीच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो बताइए कमेंट सेक्शन में और वीडियो देखते रहिए। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।